APY यानी अटल पेंशन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो जिसको आप बहुत ही आसानी से आप इसमें 18 साल से 40 साल की एज तक में आप इसमें पैसे को डाल के आप बहुत ही आसानी से आप इसमें 5000 तक का आप पेंशन ले सकते हैं। ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी जो वो होते हैं जिसको रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते रहते हैं, मगर जो सरकारी आदमी नहीं है उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो सरकार ने एक APY करके एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके में आप कुछ न कुछ पैसे इन्वेस्ट करके आप 60 साल के एज में जाके आप उसमें ग्रांटेड पेंशन आप ले सकते हैं जो मैक्सिमम 5000 तक के होते हैं। तो इसमें मैं पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और लास्ट तक बताया हूँ किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे। और 18 साल से 40 साल तक के आपका एज है तो आप इंडियन हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और ग्रांटेड पेंशन आप सरकार से आप ले सकते हो। सुभाष मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि आप अटल पेंशन योजना में किस तरीके से आप अपना पैसे को कंट्रीब्यूशन करेंगे रखेंगे और 60 साल के एज तक हो जाने पे आपको कितना पैसा मिलेगा। तो वो पूरा प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में लास्ट तक बताया हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर अटल पेंशन योजना कंट्रीब्यूशन टेबल चार्ट है जो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने एज के हिसाब से कितने सालों तक इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। जैसे यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तो मंथली पेंशन लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए आपका एज है 18 साल तो आपको 42 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो आपको 1000 की पेंशन लेने के लिए 42 रुपये, 2000 की पेंशन लेने के लिए 84 रुपये, 3000 की पेंशन लेने के लिए 126 रुपये, 4000 की पेंशन लेने के लिए 167 रुपये और 5000 की पेंशन लेने के लिए 210 रुपये आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसी तरीके से आप अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका एज है 28 ईयर्स तो आपको उसी हिसाब से 32 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होगा। 1000 की पेंशन लेने के लिए आपको 97 रुपये, 2000 के लिए 194 रुपये, 3000 के लिए 292 रुपये और 4000 के लिए आपको 388 रुपये, 5000 के लिए आपको 485 रुपये आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसके साथ ही अगर आपका एज है 38 साल तो उसी तरह से आपको 32 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होगा। और 1000 के लिए आपको इतना रुपया, 2000 के लिए इतना रुपया, 3 के लिए इतना रुपया, 4 के लिए इतना रुपया और 5 के लिए आपको 1196 रुपये के लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो इसी हिसाब से अगर आपका उम्र है 36 साल तो 24 साल तक के लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। अब 5000 के लिए पर मंथ पेंशन लेने के लिए आपको 990 रुपये के आपको लिए यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में आपको अकाउंट से डिपोजिट मतलब डालना होगा, अपने अकाउंट से कटाना होगा। साथ ही यहाँ दे सकते हैं कि आप उसके एप्लीकेंट या उसकी आपके दोनों की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे कि 5000 रुपये वाले पेंशन में उसको 8,05,000 रुपये उसको दिए जाएंगे जबकि 1000 रुपये वाला पेंशन में उसको 1,70,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये चार्ट डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है आपके डेबिट अकाउंट से ये आपको हमेशा कटता ही रहेगा तो आपको मैनुअली पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी महीने में आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और ये ड्यू हो जाता है तो आपसे पेनल्टी ली जाएगी। आप 100 रुपये के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको पर मंथ 1 रुपये के चार्ज ली जाएगी। लेकिन जबकि आपको जो 101 से लेकर 500 रुपये तक के कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको 2 रुपये के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ली जाएगी। लेकिन अगर आप 1000 रुपये तक का मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको 5 रुपये तक का चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको 10 रुपये का पेनल्टी ली जाएगी। अगर आप 6 महीने तक का कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।
अगर आप 12 महीने तक का आप इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप 12 महीने से ऊपर अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट और इनवैलिड कर दिया जाएगा, जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं। और आप इसको बहुत ही आसानी से यहाँ से इसको आप रीड भी कर सकते हैं। अगर आपका एज 60 साल हो जाता है तो आप इसी बैंक में जाएंगे, आप इसी बैंक में जाएंगे और एक उसमें बैंक में एक फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इसी बैंक में पर मंथ आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो आप जितना भी कंट्रीब्यूशन किया 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तो उसी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको बैंक में आपको पर मंथ पैसे मिलते रहेंगे। अगर 60 साल से पहले एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है तो इसकी वाइफ को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और उसके वाइफ को 5,000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी। लेकिन वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होगा उसको 5,000 रुपये के हिसाब से उसको पर मंथ जो पर मंथ उसको मिलेंगे, जो देख रहे हैं यहाँ पे आप उसका 8,05,000 रुपया जो यहाँ 8,50,000 रुपया जो इसका बनता है। अब बात आती है कि इस स्कीम का फ़ायदा कैसे लिया जाएगा और इस स्कीम को शुरू कैसे किया जाएगा। आप इस स्कीम को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप जो भी बैंक में अकाउंट है उस अकाउंट में जाएंगे, आपको वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिल भर के जमा कर देंगे तो आपको जो अकाउंट से पर मंथ पैसे आपको वहाँ पर कटते रहेंगे। तो आप जो बैंक में जाने के बाद आप आधार कार्ड दीजिएगा और जो आपको आधार कार्ड से जो आपको फॉर्म को APY फॉर्म है उसको भर के आपको जो जमा कर लेंगे, इसके बाद आपका APY जो है स्कीम है वो शुरू कर दी जाएगी और उसी अकाउंट से आपका हर मंथ जिस हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का कंट्रीब्यूशन कीजिएगा उसी हिसाब से आपके बैंक में से आपके अकाउंट में से पैसे कटते रहेंगे 60 साल तक। लेकिन जब आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा इसको ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप इस स्कीम को कैसे शुरू करेंगे, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में अपने ब्राउजर में टाइपिंग करेंगे onlinesbi.com, जिस आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, इसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू लॉग इन। अब यहाँ पे अपना यूजर नाम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, ये जो कैप्चा है आपको ये कैप्चा इसमें डाल के यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो आप इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन ओपन होकर आ गया है। जैसे ही ऑप्शन आएगा यहाँ पर ई सर्विस में जाइएगा, ई सर्विस में जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि मोर का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके बाद यहाँ पर आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप स्कीम चूज कर लेंगे, यहाँ APY, इसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ से चूज कर लेंगे, इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना CIF नंबर यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि स्कीम अटल पेंशन योजना, यहाँ पे CIF नंबर मतलब अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि डेबिट अकाउंट का पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपका आ चुका है, यहाँ CIF नंबर भी आपका यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका होम का पूरा एड्रेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपना स्टेट है जो यहाँ से आपका अपना स्टेट चूज कर लेना है, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से अपना स्टेट पहले चूज कर लीजिएगा आप कहाँ से हैं, तो जो भी जहाँ से भी तो आपको यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो आपको यहाँ से चूज करके डाल देना है। इसके बाद यहाँ से अपना सिटी डाल देना है, जो भी सिटी है यहाँ से डाल देना है। इसके बाद यहाँ से अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पर आपको पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर आ गया है, ईमेल आईडी यहाँ पर आप अपना डाल दीजिएगा, लैंडलाइन नंबर है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास आधार है तो आधार नंबर का आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉमिनी के फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ मिडिल नेम यहाँ पर डाल देना है और नॉमिनी का लास्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देख रहे हैं माइनर है, अगर नॉमिनी माइनर है या जो भी है तो इसमें से यस नो करके चूज कर लेंगे, नो चूज कर लेंगे। यहाँ रिलेशनशिप डाल देंगे, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ब्रदर है, भाई है, सिस्टर है, वाइफ है, सन है, लव है, क्या अदर है, जो भी है इसमें से आपको सिंपली चूज करके डाल देना है। तो यहाँ फॉर्म को सबमिट कर देना है भरने के बाद, इसके बाद आपका स्कीम चालू हो जाएगी और आपका जो अमाउंट है इसी बैंक अकाउंट से हर महीने आपके कट होते रहेंगे। और इस तरीके से आपको APY मतलब अटल पेंशन योजना आपके स्कीम चालू हो जाएगी और इसी अकाउंट से आपको हर महीने आपका अमाउंट कट होते रहेंगे और आपका जो है APY आपको चालू हो जाएगा।
60 साल की एज हो जाने पे अप्लीकेंट को 5000 रुपये की गारंटेड पेंशन दी जाएगी। अगर उसका जो डेथ हो जाता है 60 साल से पहले पहले तो उसकी वाइफ को ये पेंशन दी जाएगी। अगर उसकी वाइफ को भी डेथ हो जाता है जिसको नॉमिनी बनाया होगा उसको ये पेमेंट पूरा दे दिया जाता है। अगर वो चाहे तो अपना ये जो स्कीम है उससे पहले भी अपना पूरा अमाउंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना है किस तरीके से आप अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।